कांकेर में एक नाबालिग छात्रा के साथ बेहद खौफनाक वारदात दर्ज की गई है। पहले तो उसे एक खाकी वर्दी वाले ने हवस का शिकार बनाया, जिसके बाद तीन दरिंदों ने भी उसके साथ गैंगरेप कर डाला। आखिर कैसे खुला वारदात का राज, रिपोर्ट देखिए। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर में नाबालिग के साथ बेहद खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां एक नाबालिग को पहले एक पुलिसकर्मी ने शिकार बनाया और वारदात के चार दिन बाद एक बार फिर उसका अपहरण हो गया और तीन दरिंदों ने छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दे डाला। एक के बाद एक दरिंदगी की वारदात का शिकार हुई छात्रा के दिल में इतनी दहशत भर गई कि डर के मारे उसकी जुबान तक नहीं खुल सकी। वारदात का खुलासा तब हुआ जब उसे एक दो महीने का गर्भ ठहर गया। इस चौंकाने वाली घटना के सामने आने के बाद लोहतर इलाके में सनसनी फैल गई। दसवीं की छात्रा है, छात्रा जो एक गांव है मोगा, वहां से खेल देके वापिस आ रही थी। रास्ते में परब जाड़े नाम का एक सहायक आरक्षक है, वह उससे मिला और उसके जंगल में ले जाकर उससे बलात्कार किया। जो बच्ची है वो डर के बारे किसी को बता नहीं पाई। तफ्तीश में जुटे जांच अधिकारी के मुताबिक घटना 16 नवंबर की है, जब छात्रा खेलकूद के आयोजन को देखकर वापस लौट रही थी। तभी रास्ते में उसे परब जाड़े नाम के पुलिसकर्मी ने पकड़ लिया और डरा धमका कर सुनसान इलाके में ले गया, जहां पुलिसकर्मी ने उसे हवस का शिकार बनाया और मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी देकर छोड़ दिया। आरोपी परब जाड़े लाटमरका गांव का रहने वाला है और दुर्ग कुंडल थाने में सहायक आरक्षक के तौर पर पदस्थ बताया जा रहा है। पुलिसकर्मी के हाथों शिकार बनी नाबालिग छात्रा इतनी डर गई थी कि किसी के सामने मुंह तक नहीं खोल पा रही थी। डरी सहमी छात्रा किसी तरह से घर से निकलकर वापस स्कूल जाने की हिम्मत जुटा सकी, लेकिन तभी चार दिन बाद उसे रास्ते में बाइक सवार तीन बदमाशों ने अगवा कर लिया और जंगल में ले जाकर मारपीट करके गैंगरेप को अंजाम दे डाला। दो दो बार दरिंदगी का शिकार छात्रा इतनी डर गई थी कि परिजन तक को कुछ नहीं बता पा रही थी, लेकिन इसका खुलासा तब हुआ जब उसे दो महीने का गर्भ ठहर गया। परिजन ने किसी तरह हिम्मत दिलाकर छात्रा से खौफनाक घटना के बारे में जानकारी हासिल की, जिसके बाद परिजन ने पुलिस थाने पहुंचकर बलात्कार और गैंगरेप की FIR दर्ज करा दी। इसकी वजह से घर करीब दो महीने बाद जब प्रेग्नेंट हुई तब घर वालों को पता चला और ये मामला खुला। जब पुलिस के संज्ञान में मामला है तो पुलिस द्वारा इसमें अपराध पंजीकृत किया गया है और जो सहायक आरक्षक है अभी वर्तमान में दूर कुंदल में पदस्थ था, उसको गिरफ्तार किया गया है और अभी आज न्यायिक रिमांड में भेजा गया। पुलिस ने छात्रा के साथ पहली बार दरिंदगी को अंजाम देने वाले आरोपी सहायक आरक्षक को गिरफ्तार कर लिया है और विभागीय जांच के साथ निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं, जबकि गैंगरेप को अंजाम देने वाले तीन बाइक सवार बदमाशों के बारे में तहकीकात की जा रही है। पुलिस का दावा है कि उन तीन दरिंदों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हवालात के लिए भानु प्रतापपुर से राजकुमार दुबे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश